पार्टनर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कस्टमर का प्रॉपर फूड स्क्रैपिंग कैसे किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर का सोल काफ़ी क्रैक है तो आप कैसे पता कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन के टाइम पे उनके सोल को टच करके देखिए। अगर आपको हार्ड लगता है, मतलब इनके फीट पे स्क्रैपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस केस में आप कट फाइल करने के बाद ड्राई स्क्रैपिंग करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम ड्राई फीट पे हम स्क्रैपिंग कर रहे हैं प्रॉपरली। इसके बाद आप आगे का पूरा प्रोसेस सेम उसी तरीके से फॉलो करिए जैसा बताया गया है, और कस्टमर के पैर को डिप कर दीजिए। कस्टमर के पैर को डिप करने के बाद हम एक बार और स्क्रैपिंग करते हैं। स्क्रब कंप्लीट कर लिया, ब्रश कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम एक बार और स्क्रैपिंग करते हैं, जिससे कि कस्टमर का प्रॉपर क्रैक हील्स क्लीन हो जाता है और कस्टमर काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई हो पाता है। स्क्रैपिंग में आपका प्रेशर काफ़ी ठीक होना चाहिए और जो डेड स्किन है वो इस तरीके से रिमूव होनी चाहिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। हमेशा स्क्रैपिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपने कस्टमर को उनका सोल टच करके चेक करने के लिए कहिए कि मैम क्या आप सेटिस्फाई हैं, देख लीजिए आपका सोल जो है वो ठीक से क्लीन हुआ है कि नहीं। जब आपका कस्टमर टच करके देखेगा तो वो खुद सेटिस्फाई होगा कि उनका सोल काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है।